दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्यार करने की इच्छा हर किसी की होती है। विवाह योग हर कोई शादी के सपने देखता है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए ज्यादातर लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, फिर वे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, स्त्री हों चाहे पुरुष। चलो बताते हैं कि आखिर करने से पहले कौन कौन सी बातें सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। नंबर वन, शादी से पहले प्यार। और प्यार की हद को पार करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि क्या आप तन मन से तैयार हैं। क्या इसका बुरा असर आपके भविष्य, कैरियर, इमेज और वैवाहिक जीवन पर तो नहीं पड़ेगा। सेकंड नंबर, शादी से पहले प्यार तो झेलो करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यह मनचाहा नहीं मिल पाता, लेकिन शादी के बाद ये सिरदर्द भी बन जाता है। थर्ड नंबर, शादी के बाद सब कुछ आपकी पसंद का नहीं होगा, साथी की इच्छा का भी आपको ध्यान रखना ही होता है। फोर्थ नंबर, शादी के बाद जिम्मेदारियों के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं और पति पत्नी के बीच में पैसे को लेकर तू तू मैं भी होनी शुरू हो जाती है। अगर ध्यान न दिया जाए तो पैसे की कमी धोखे की स्थितियां भी पैदा कर देता है। फाइव नंबर, शादी के बाद पत्नी और परिवार के बीच टकराव की स्थितियां भी पैदा होती हैं और आप टकराव रोकने में असफल रहते हैं तो एक महाभारत देखने के लिए तैयार रहें। सिक्स नंबर, शादी के बाद अपने लिए समय निकाल पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। सेवन नंबर, शादी के बाद आपकी बैचलर लाइफ की यादें सिर्फ यादें बनकर ही रह जाती हैं और दोस्तों के साथ खुलकर मौज मस्ती के चांस भी ना के बराबर रह जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसो आराम वाली लाइफ भी लगभग खत्म हो जाती है। एट नंबर, शादी के बाद छोटे बड़े घरेलू झगड़े टेंशन के लिए भी तैयार रहिए क्योंकि डिमांड्स और जरूरतों की लिस्ट सिरदर्द बन जाती है। 9 नंबर, बच्चे पैदा होते ही अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना होगा। 10 नंबर, मनचाही जगह घूमने फिरने पर भी ग्रहण लग जाता है। 11 नंबर, अपनी इच्छाओं से ज्यादा अपनी पत्नी की इच्छाओं का ध्यान रखना होगा। ना चाहते हुए भी आपको बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप इन चीजों से आगाह नहीं रहेंगे और इनको अनदेखा करेंगे तो निश्चित ही आप एक विषम परिस्थिति में फंस जाएंगे, यहाँ तक कि आपका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।